हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पालक लिया है और 100 ग्राम पनीर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर होने लगा है, अब मैं इसमें पालक को डाल दूँगी और 2 मिनट बॉयल करूँगी। जब पानी पूरा गर्म हो जाए तब इसे डालना है और अच्छे से 2 मिनट बॉयल करना है, जिससे सारे पत्ते अच्छे से पक जाए। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से पत्ते बॉयल हो जाए। और उसके बाद मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी और इसका पेस्ट तैयार करूंगी। देखते हैं, देखिए ये बॉयल हो चुका है। गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडे पानी में डालना है। और उसके बाद पानी में डालने के बाद अच्छे से छान कर निकाल देना है। और उसके बाद थोड़ी देर इसे ठंडा होने देना है और फिर मैं इसे कप में डालूंगी और इसका पेस्ट तैयार करूंगी। और मैंने देखिए पानी से अच्छे से छान कर निकाल लिया है। और इसके साथ मैंने लिया है 3 हरी मिर्च। मैं आपको दिखलाती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 3 हरी मिर्च है और साथ में 1 टुकड़ा अदरक का है और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हैं। तो सभी को मैं एक साथ पीसूँगी और पेस्ट बनाऊँगी। पेस्ट तैयार हो चुका है, अब हम पनीर को तलेंगे। और अब मैंने कढ़ाई बैठा दिया है और पनीर के मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़े कर दिए हैं और इसे मैं हल्का फ्राई करूँगी। इसे पूरा तलना नहीं है, बस हल्का सा इसे फ्राई करना है और उसके बाद निकाल देना है। तो देखिए आप, पनीर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ पहले, क्योंकि इसे ज़्यादा तलना नहीं होता है, बस हल्का इसे फ्राई करना होता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है, इसलिए इसे मैंने हल्का फ्राई कर दिया है। और सारे पनीर को मैं निकाल कर प्लेट में रखती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखलाती हूँ। तो सारे पनीर को फ्राई करने के बाद इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्राई हो गया है पनीर। हम यहाँ पे लेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा जीरा और 1 तेजपत्ता। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अभी से मैं डालूंगी। सभी को मैं अच्छे से लाभने तक भूनूंगी। भून चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था, इसे भी मैं भूनूंगी। यहाँ पे देखिए सब चीज अच्छे से भून चुका है, टमाटर प्याज सब। और हम इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ी देर पकने देंगे, ये अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। और इसे थोड़ा बॉयल होने देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ग्रेवी बनके है तैयार, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है और ये बॉयल होने लगा है। तो इसमें मैं सारे पनीर को एक एक करके और डालूंगी। आप इसे चावल, चपाती, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, उंगलियां चाटते रह जाओगे। एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बन गई है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है।
तो मैं सारे पनीर को पहले डाल देती हूँ, उसके बाद इसे मैं ग्रेवी में मिक्स करूँगी। और इसमें एक चीज़ और मिलाना है जिससे पालक पनीर का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाए और आप उंगलियाँ चाटती रह जाएँ, उंगलियाँ चाट चाट कर खाएँ। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ और इसके बाद मैं इसमें मिलाऊँगी 2 चम्मच ताज़ी मलाई। आप घर पर भी मलाई निकाल सकते हैं और नहीं तो आप ख़रीद कर भी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन घर की ताज़ी मलाई अगर डालोगे तो यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में, एकदम उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो मैंने इसमें 2 चम्मच ताज़ी मलाई मिलाई है और सभी को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स देखते हैं पालक पनीर बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और एक कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।